हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे ही होंगे माता रानी की कृपा से। तो जैसा कि आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर हमारा देखा ही हुआ है, तो अब मैं आप लोगों के लिए सेकंड चैप्टर अपलोड कर रहा हूँ। दोस्तों, हम लोग अभी माता जी के दर्शन के लिए हम लोग जो हैं अभी मतलब पैदल ट्रैक पे चल चुके हैं, जो कि भी नीचे से हम लोगों ने जो बाइक थी वो हम लोगों ने नीचे खड़ी कर दी है। अब हम लोगों के यहाँ से मतलब वही 7 या 8 किलोमीटर की चढ़ाई जो है, जो माता जी के दर्शन के लिए अगर ऊपर जाना है तो वहाँ पर पैदल ट्रैक का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये रहा। हम लोग भटक ना जाए, हाँ। तो दोस्तों, अभी हम लोग जो है ये ट्रैक पार कर चुके थे, जिससे कि असल में बीच की वीडियो मैंने काट दी है क्योंकि सीट नहीं बनी थी, इसलिए अब हम लोग डायरेक्ट मंदिर के ऊपर स्नान कर चुके हैं अपना नहा धो के। अब ऊपर जा रहे हैं सीढ़ियाँ माता जी के दर्शन करने के लिए। तो अभी यहाँ से हम लोग जो है पैदल पैदल चढ़ाई करते रहेंगे, जो कि ऊपर माता जी के दर्शन के लिए वहाँ तक जाएगी। हम लोग अब वहाँ तक पैदल ही जाना है ऊपर तक। हाँ तो दोस्तों, फाइनली माता जी के दर्शन मुझे प्राप्त हो चुके हैं। यहाँ पे पहुँच गया हूँ, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। हाँ, तो जैसा कि माना जाता है कि यहाँ पे जब माता जी दर्शन करो तो उसके बाद साइड पर आपने देखा होगा लाल लाल पट्टियाँ सब लोग, वो माना जाता है कि यहाँ पे जो है आप लोग अगर वो मानते हैं तो आप लोग की मन्नतें पूरी होती हैं। तो आई गेस शायद आप लोग मेरी भी मन्नत पूरी करा सकते हैं सब्सक्राइब करके चैनल। हाँ तो दोस्तों, अब हम लोग दर्शन करके नीचे की ओर जा रहे हैं। अब नीचे उतर के बाद फिर अपना घर के लिए प्रस्थान करेंगे। तो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी आप सभी को। तो दोस्तों, हम लोग अपने घर आ चुके हैं लखीमपुर खीरी। अभी रात के बज रहे हैं, तो हम लोग वहाँ से वहाँ से आने में लगभग 4 से 5 घंटे लगते हैं हम लोगों को। तो अब हम लोग घर पहुँच चुके हैं। अब भाई बहुत जाड़ा है यहाँ पर, तो रात का समय वैसे भी आप सभी को पता है बहुत जाड़ा होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और एक कमेंट में आप सभी क्या माता जी लिख सकते हैं। तो सब्सक्राइब करिए चैनल को और खूब से खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।